कि बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि शिक्षा रोजगार नौकरी पे बात हो रही है। नीतीश कुमार जी पे हम भरोसा कैसे करें, उम्मीद कर सकते हैं लेकिन भरोसा कैसे करें जब तक कि करके नहीं दिखाते। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसमें धांधली नहीं हुआ हो, सेटिंग नहीं हुआ हो, और खुलेआम धांधली होती है। जो अभ्यर्थी, जो छात्र छात्राएं अपना सेटिंग करवा रहा हो नौकरी के लिए, वैसे लोगों पे भी कम से कम 10-12 साल प्रतिबंध लगा दिया जाए कि वो कैसे हम मान ले कि आगे भी जो बहाली आएगी उसमें धांधली नहीं होगी, सेटिंग नहीं होगी। जब तक कि करके नहीं दिखा दे, ईमानदारी से बहाली पूरा करके नहीं दिखाएंगे, 1 से 1.5 साल में बहाली पूरा नहीं होगी तब तक कैसे माना जाए। ये कहने के लिए मुंह से बोल दिए, बाद में कुछ नहीं किया गया, तो सबसे ज्यादा विरोध इस सरकार का दिलीप कुमार करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार में नई सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है, और सरकार बनते ही 10 लाख सरकारी नौकरी की चर्चा समस्त मीडिया में होने लगी, चाहे वो नेशनल मीडिया हो या राज्य स्तरीय मीडिया हो, हर जगह 10 लाख सरकारी नौकरी की चर्चा होने लगी। और 15 अगस्त को गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये घोषणा कर दिया कि 10 लाख नौकरी तो क्या, हम 10 लाख नौकरी के अलावा 10 लाख और, यानी कि 20 लाख तक, जिसमें सरकारी नौकरी 10 लाख और जो 10 लाख होगा वो उसमें सरकारी नौकरी के साथ साथ रोजगार भी शामिल होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि शिक्षा रोजगार नौकरी पे बात हो रही है, और ये बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है। हम शुभकामना भी देते हैं जो नया मंत्रिमंडल बिहार में बना है कि बिहार को सही दिशा में ले जाए, प्रगति पथ पे ले जाए। और साथ ही तेजस्वी यादव जो एक युवा हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं, और इन्होंने 2020 चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का चुनावी वादा किया था, और उस पर वो अभी भी कह रहे हैं कि हम कायम हैं और हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तो एक बहुत अच्छी बात है, युवा हैं, हम उनसे उम्मीद भी कर सकते हैं क्योंकि उनको एक लंबी राजनीति करनी है। नीतीश कुमार जी को केंद्र में जाना है और प्रधानमंत्री बनना है, 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद का विपक्ष के तरफ से उम्मीदवार उनको बनना है। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जी भी शायद कुछ इसमें करें, अब अच्छा करें बिहार के युवाओं के लिए, क्योंकि 16 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन कभी उन्होंने युवाओं पे तो ध्यान दिया नहीं। 16 साल से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी बिहार के युवाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए कुछ नहीं किया, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो या स्कूली शिक्षा हो या यूनिवर्सिटी की शिक्षा हो, सबको चौपट कर दिया। और प्रतियोगी परीक्षाओं में तो खासकर पेपर लीक, धांधली, सेटिंग खुलेआम चलता रहा है, खासकर 2010 से मैं देख रहा हूँ तो खुलेआम प्रतियोगी परीक्षाओं में हर बहाली में लूट खसोट, धांधली चल रही है, सेटिंग चल रही है। तो क्या अब नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा जगी है या जग जाएगी, चूँकि उनको सेंट्रल में जाना है और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना है और प्रधानमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा है। तो हो सकता है कि शायद वो बिहार के छात्र युवाओं के हित में कुछ कर दे, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन भरोसा नीतीश कुमार जी पे हम कैसे करें। तेजस्वी यादव जी युवा हैं, नए हैं, उनको बिहार में एक लंबी राजनीति करनी है, उनके पास बहुत समय है, तो उन पे भरोसा इसलिए हम कर सकते हैं अभी क्योंकि वो युवा हैं, तो युवा के दर्द को शायद समझेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन चुनौती भी उनके सामने जरूर है क्योंकि उन्होंने जो किया, कहा है, जो वादा किया, अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो सबसे ज़्यादा विरोध दिलीप कुमार का ही उनको सहना पड़ेगा। और साथ में नीतीश कुमार जी, उन पर हम भरोसा किस आधार पर करें, नीतीश कुमार जी पे हम भरोसा कैसे करें, उम्मीद कर सकते हैं लेकिन भरोसा कैसे करें जब तक कि करके नहीं दिखा दें, तब तक भरोसा कैसे कर सकते हैं। 16 सालों से मुख्यमंत्री है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसमें धांधली नहीं हुआ हो, सेटिंग नहीं हुआ हो, और खुलेआम धांधली होती है। तो कम से कम अगर अंतरात्मा नीतीश कुमार जी की जग गई है तो बिहार के छात्र युवाओं के लिए कुछ अच्छा कर दे। और साथ में तेजस्वी यादव जी से भी हम आग्रह कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से भी और तेजस्वी यादव जी से भी, कि बिहार में सिर्फ नौकरी के लिए वैकेंसी निकालना जरूरी नहीं है, उससे ज़्यादा जरूरी है कि आप ईमानदारी से उस बहाली को पूरा कीजिए, चाहे 10,000 पे वैकेंसी निकालिए या 10 लाख वैकेंसी निकालिए, लेकिन उस वैकेंसी को आप ईमानदारी से पूरा करवाइए, पेपर लीक ना हो, किसी तरह की धांधली सेटिंग ना हो। और जब तक ईमानदारी से बहाली पूरी नहीं होगी तब तक आप 5 लाख भी वैकेंसी निकाल दीजिए, 50 लाख भी निकाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या नीतीश कुमार जी 2024 का खर्च, चुनावी खर्च निकालने के लिए तो ये बहाली की बात नहीं कर रहे हैं? तो ये देखने वाली बात होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम भरोसा तभी करेंगे जब नीतीश कुमार जी करके दिखा देंगे, क्योंकि 16 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी और आज तक तो ऐसा नहीं कुछ किया गया। हर प्रतियोगी परीक्षा में, हर बहाली में धांधली सेटिंग होती है, 8-8 साल लगा है एक बहाली को पूरा होने में, उसमें भी हम लोग कई बार आंदोलन किए, जेल तक गए,
उसके बाद 8 साल में एक बहाली अगर पूरी होती है तो हम कैसे नीतीश कुमार जी पे भरोसा करें, क्योंकि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी ही हैं। तो तेजस्वी यादव जी को चाहिए कि वो अपना सब कुछ दिखाए, अपनी तरफ से पहल करे और नीतीश कुमार जी पे दबाव बनाए, और कोई भी वैकेंसी निकलती है तो 1 से 1.5 साल के अंदर वो बहाली पूरा होना चाहिए। 7 साल 5 साल 6 साल नहीं लगना चाहिए, 1 से 1.5 साल के अंदर कोई भी वैकेंसी पूरी हो। इसके लिए सभी भर्ती आयोग का वार्षिक कैलेंडर जारी होना चाहिए और वह वार्षिक कैलेंडर बाध्यकारी होना चाहिए, ये नियम बना देना चाहिए। तेजस्वी यादव जी को इसमें पहल करनी चाहिए, नीतीश कुमार जी को इसके लिए तैयार करना चाहिए, उनके सामने बातों को रखना चाहिए। 1 से 1.5 साल के अंदर कोई भी वैकेंसी जब निकलती है तो 1 से 1.5 साल के अंदर वो बहाली पूरी हो, किसी भी तरह से पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, कोई पैरवी ना हो, पैरवी पैसा पे किसी भी तरह से नौकरी ना दिया जाए। अगर कोई भी धांधली सेटिंग में या पेपर लीक में संलिप्त पाया जाए तो वैसे शिक्षा माफियाओं के लिए कठोर कानूनी प्रावधान किया जाए, विधानसभा से एक कानून पास कराया जाए जिसमें आजीवन कारावास, उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान हो, ताकि आगे से कोई हिम्मत न करे पेपर लीक करने का या धांधली सेटिंग किसी भी तरह से करने का। और जो परीक्षार्थी, जो अभ्यर्थी, जो छात्र छात्राएं अपना सेटिंग करवा रहा हो नौकरी के लिए, वैसे लोगों पे भी कम से कम 10-12 साल प्रतिबंध लगा दिया जाए कि वो किसी भी सरकारी नौकरी के लिए कोई भी फॉर्म नहीं भर सकता है, और 10 लाख रुपये का जुर्माना भी उस पर लगाया जाए या 50 लाख, जितना लगाना हो आप लगाइए, लेकिन ये कानूनी प्रावधान किया जाना चाहिए। इन सब बातों पे तेजस्वी यादव जी को खास कर ध्यान देना होगा। अगर वैकेंसी निकलती है और उसमें धांधली होती है, पेपर लीक होता है, तो फिर उस बहाली का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जैसे अभी देखिए पेपर लीक की बात आई, 67वीं BPSC का पेपर लीक हुआ, उस समय तो कोई कुछ नहीं बोल रहे थे, बिहार का कोई नेता कुछ नहीं बोला, तो हम कैसे उम्मीद करें, कैसे हम भरोसा कर लें कि आगे से पेपर लीक नहीं होगा और ये लोग कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जितने भी शिक्षा माफिया हैं बड़े बड़े, उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण ही प्राप्त है। RCP सिंह जैसे लोग जो 2012-13 से मैं देख रहा हूं, हम 2017 से ये बात बोल रहे हैं कि RCP टैक्स चलती है बिहार में, और आज वो बात धीरे धीरे साबित हुई। हम पहले से कहते आ रहे थे कि OMR सीट बाहर ले जाकर रंगा जाता है, मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखी जाती है। रंजीत रजक जो गिरफ्तार हुआ DSP है BPSC पेपर लीक मामले में, उससे ये खुलासा भी हुआ है, सबूत भी मिला हुआ। तो कैसे हम मान ले कि आगे भी जो बहाली आएगी उसमें धांधली नहीं होगी, सेटिंग नहीं होगी, जब तक कि करके नहीं दिखा दे, ईमानदारी से बहाली पूरा करके नहीं दिखाएंगे, 1 से 1.5 साल में बहाली पूरा नहीं होगी तब तक कैसे माना जाए। 10 लाख नौकरी की बात अच्छी है, निकलनी भी चाहिए, क्योंकि 6 लाख वैकेंसी की है पूरे बिहार में, सभी पदों को मिला दिया जाए तो 6 लाख सरकारी पद खाली है, तो उन 6 लाख पे तो अविलंब वैकेंसी निकलनी चाहिए। उसके अलावा जितना आप दीजिए, 10 लाख 20 लाख दीजिए, कोई वो तो और अच्छी बात है बिहार के लिए, लेकिन ईमानदारी से बहाली पूरा होना चाहिए। हम सबसे पहले तो हम स्वागत भी करते हैं तेजस्वी यादव जी का भी और नीतीश कुमार जी का भी, कम से कम उन्होंने शिक्षा रोजगार की बात तो किया, वरना पहले तो बात भी नहीं होती थी। तो ये कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन का ही असर है। हम लोगों ने भी जो 2020 में फरवरी मार्च में दरोगा बहाली में धांधली को लेकर आंदोलन किया, तो उसके बाद कई बार आंदोलन हुआ और उसका असर कहीं ना कहीं दिखता नजर आ रहा है कि अब बिहार में शिक्षा, नौकरी, रोजगार एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। वरना पहले तो वही घिसा पीटा पुराना चल रहा था मुद्दा, जातिवाद हो, संप्रदायवाद हो, या फिर कुछ और हो, हिंदू मुस्लिम हो, यही सब मुद्दा होता था। लेकिन पहली बार कोई सरकार बनने के बाद शिक्षा, नौकरी, रोजगार मुद्दा बना है, नेशनल चैनल पे भी इस पे डिबेट हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बिहार के लिए अच्छी बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार को एक नई दिशा ये लोग दे, प्रगति पथ पर ले जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये सिर्फ दिखावे के लिए बात हुई या सिर्फ ये कहने के लिए मुंह से बोल दिए, बाद में कुछ नहीं किया गया, तो सबसे ज्यादा विरोध इस सरकार का दिलीप कुमार करेगा। जिस तरह से पिछली सरकार का भी हम विरोध कर रहे थे, गलत कार्यों का, नीतियों का, खासकर छात्र युवाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर, तो इस सरकार ने भी अगर कुछ गलत किया तो उस सरकार से कई गुना ज्यादा विरोध दिलीप कुमार इस सरकार का भी करेगा। क्योंकि इस सरकार ने बहुत सारी उम्मीदें बंधवाई है, सरकार बनने के बाद उन्होंने नौकरी की बात की है, और कोई 10 लाख तो मुख्यमंत्री खुद 20 लाख बोल रहे हैं। अगर इसके बाद भी अगर उस चीज को पूरा नहीं किया जाता है और कहीं भी धांधली होगी, सेटिंग होगी, पेपर लीक होगा, तो सबसे ज्यादा इस सरकार का विरोध दिलीप कुमार ही करेगा। अभी हम 20 दिन 25 दिन इस सरकार की क्रियाकलापों को देखेंगे कि किस तरह ये सरकार काम कर रही है। और जो बहाली 8 साल पे आती है,
सचिवालय से आए की वैकेंसी 8 सालों बाद आई, द्वितीय इंटर स्तरीय 8 साल बाद अभी तक नहीं आई है। तो इन सबों पे सरकार को ध्यान देना होगा कि हर साल वैकेंसी निकले, 1 से 1.5 साल के अंदर बहाली पूरा हो जाए, वेटिंग लिस्ट जारी हो, हर वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए, ये प्रावधान किया जाना चाहिए, कानून बना दिया जाना चाहिए। और सबसे जरूरी है पारदर्शिता, हर बहाली में पारदर्शिता लाई जाए, चाहे दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो, बीपीएससी हो या बीएसएससी हो, सचिवालय सहायक हो, कोई भी बहाली हो, उसमें ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों को दिया जाए, फिर आंसर की जारी हो, और जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कटअप के साथ साथ सभी परीक्षार्थी का मार्क्स भी जारी किया जाए, क्योंकि आप दरोगा बहाली में देख रहे हैं 2446 दरोगा बहाली में खुलेआम धांधली हुई, ओएमआर सीट की छाया पड़ती, आरटीआई से भी नहीं दिया जाता है और खुलेआम गुंडागर्दी की गई उसमें 2446 दरोगा बहाली में। तो इस तरह की बात आगे नहीं होनी चाहिए। और जितने भी भर्ती आयोग के चेयरमैन हैं उन सबको हटा दिया जाए, बीपीएससी के तो चेयरमैन नए नए बने हैं तो उनके बारे में हम नहीं कर रहे हैं, बीपीएसएससी का चेयरमैन सुनीत कुमार, सीएसबीसी के चेयरमैन, बीपीएससी का परीक्षा नियंत्रक, इन सबको हटाया जाए, क्योंकि ये सब आरसीपी सिंह के आदमी हैं और पहले से ये लोग बहाल हैं और ये लोग हर बहाली में धांधली सेटिंग में संलिप्त रहे हैं और पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं रही है। छात्र अगर पारदर्शिता की मांग भी करते तो ये लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं, जेल तक भेज देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले इन सबको हटाया जाए, जो पुराने लोग हैं उनको हटाया जाए और जो सेवारत हैं उनको किसी भी भर्ती आयोग का चेयरमैन या परीक्षा नियंत्रक बनाया जाए, रिटायर्ड आदमी को मत बनाया जाए। तो ये सब चीजें सरकार को करनी होगी। अगर ये सब चीज सरकार नहीं करती है, बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार को नहीं हटाया जाता है, बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार को नहीं हटाया जाता है, सीएसबीसी के चेयरमैन केएस द्विवेदी को नहीं हटाया जाता है, तो इसका मतलब होगा कि अगले आगे भी जो वैकेंसी आएगी उसमें भी खुलेआम लूट खसोट होगी, क्योंकि ये लोग पहले से लूट खसोट में संलिप्त रहे हैं। तो सबसे पहले सरकार इन लोगों को हटाए और पारदर्शिता लाने के लिए रूल ही बना दे कि सभी भर्ती आयोग को ये सब चीज करना पड़े। तो हम देखेंगे 10 दिन 20 दिन देखते हैं कि सरकार क्या करती है, और अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे और इस सरकार का पिछली सरकार से भी ज्यादा विरोध हम लोग करेंगे। सिर्फ आप जितने भी छात्र युवा हैं बिहार के, आप लोग हमारा साथ दीजिए और आगे देखिए, सरकार को हम लोग मजबूर कर देंगे, कोई भी सरकार हो मजबूर कर देंगे पारदर्शिता लाने के लिए, वार्षिक कैलेंडर लाने के लिए, वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए और 1 से 1.5 साल के अंदर कोई बहाली हो इसके लिए हम लोग सरकार को मजबूर कर देंगे। बस आप लोग एकजुट रहिए, जाति धर्म पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हम लोग एक साथ रहें और छात्र हित में अपनी आवाज को बुलंद करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।